सो आज के लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1.74 ऑफ हेरोडोट और काफी फेमस प्रॉब्लम है ये वाली, तो इसको सॉल्व करते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.17, दिस इज द फिगर, द मास ऑफ रॉड इज एम एक्सीड द मास ऑफ बॉल, द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये बॉल है आपके पास, ये बॉल इस रोप से अटैच नहीं है, इस बॉल में एक ओपनिंग है, मतलब एक होल है जिससे एक रस्सी जा रही है, तो कुछ ये बीड की तरह है। बीड का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉल है अटैच नहीं है, वो इस रोप पे स्लाइड करेगी, दिस इज दिस कैन स्लाइड, ये स्लाइड कर सकती है इस पे अपने वेट की वजह से। ठीक, द मास ऑफ पुली एंड द फ्रिक्शन इन द एक्सल आर नेग्लिजिबल, कोई यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, पुली का मास भी नहीं है। एट द मोमेंट द बॉल वॉज लोकेटेड अपोजिट द लोअर एंड, तो स्टार्टिंग में लोअर एंड पे दिख रहा है फिगर से हमको, वेन सेट फ्री बोथ बॉडीज बिगेन मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, तो दोनों ही कॉन्स्टेंट से मूव करने लगे एक्सलेशन से। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड, अब दिस इज वी हैव टू फाइंड कि फ्रिक्शन निकालना है बॉल के और थ्रेड के बीच में। इफ टी सेकेंड फ्रॉम आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन द बॉल गॉट अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रॉड, तो टी सेकेंड बाद जो है जो बॉल है वो रॉड के कुछ अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगी और जो रॉड की लेंथ है वो कुछ एल गिवन है। ठीक, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसमें देखते हैं बॉल को, तो जो बॉल है ये वाली, इस बॉल पे एक ओपनिंग है और ये इससे एक रस्सी पास हो रही है, तो एक तो नीचे की तरफ बॉल का कुछ वेट लगेगा एम जी, और जब बॉल अपने वेट की वजह से, बॉल अटैच तो है नहीं, तो बॉल इस रस्सी पे स्लाइड कर सकती है, तो जब स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो रस्सी और बॉल के बीच में कुछ घर्षण होगा, कुछ फ्रिक्शन होगा, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा इस पे, जो अपोज करेगा बॉल को नीचे जाने से, क्योंकि बॉल अटैच नहीं है। तो अब इसका इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू कुछ ए वन नीचे की तरफ, सो ए वन इज इक्वल टू जी माइनस एफ बाय एम, सो दिस इज द एक्सलेशन ऑफ बॉल या बीड कह सकते हैं। अब समझते हैं इस रॉड को, रॉड के अब क्या होगा, तो रॉड को अगर देखें तो रॉड पे नीचे की तरफ रॉड का वेट होगा और ऊपर की तरफ जो टेंशन है, टेंशन तो कुछ होगी नहीं क्योंकि जो रस्सी है वाली, ये रस्सी फ्री है, फ्री मतलब कि इस रस्सी पे इस तरफ से कुछ अटैच है नहीं, ऐसा ये तो स्लाइड करने वाला है, इस पे कुछ अटैच नहीं है, टेंशन तो होगी नहीं, तो टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो एक्चुअल में यहाँ जो टेंशन होगी वो इस फ्रिक्शन के ही बराबर होगी, फ्रिक्शन ही यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड करेगा। कैसे समझते हैं उसको, और वही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो मैंने इस बॉल का वीडियो ड्रॉ किया था, जो ये बॉल थी जो स्लाइड कर रही थी, अगर मैं जो बॉल के नीचे रस्सी है ये वाली, अगर मैं इस रस्सी को देखूं तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं इस रोप को देखूं, तो अगर इस रोप का वीडियो ड्रॉ करें तो रोप पे क्या हो रहा होगा, अगर रोप ने बॉल पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाया है क्योंकि बॉल वॉज ट्राइंग टू गो डाउनवर्ड, तो रोप पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ बाय न्यूटन थर्ड लॉ, जो वो बॉल लगाएगी अब, क्योंकि फ्रिक्शन एक न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो अगर बॉल पे रोप ने लगाई ऊपर की तरफ तो बॉल रोप पे लगाएगा नीचे की तरफ, तो इस रोप पे और ऊपर की तरफ कुछ टेंशन होगा जो कुछ लगा रहा होगा, तो इसका मास तो जीरो ही है, तो अगर मैं लिखूं इस पे कि एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू कुछ भी और जो भी ए वन ए टू ए थ्री, तो मास ऑफ रोप के लिए कर रहा हूं तो दिस इज जीरो मास, सो टी इज इक्वल टू एफ, ऐसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन होगी वो फ्रिक्शन के ही बराबर होगी, दैट मीन्स कि टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी नो दैट कि एज रोप इज मासलेस, तो रोप अगर मासलेस है, एज रोप इज मासलेस सो टेंशन इज सेम इन द रोप, मतलब टेंशन जो है वो सेम रहेगी और वो हमेशा फ्रिक्शन के बराबर होगी कहीं भी निकालना हो तो, क्योंकि मासलेस रोप में टेंशन सेम होती है, इस वजह से यहां भी टेंशन अप होगी, तो और ये कुछ नीचे की तरफ जा रहा होगा इक्वेशन ए टू से, तो वी कैन राइट कि एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए टू, सो ए टू इज इक्वल टू जी माइनस एफ बाय कैपिटल एम, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू।
नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, और अब हम क्वेश्चन को फ्रिक्शन निकालते हैं क्या होगा। तो एक्चुअल में क्या है कि स्टार्टिंग में जब चलना शुरू किया तो रॉड के इस एंड पे बॉल थी और ये कुछ ए टू से गिर रहा था और ये कुछ ए वन से गिर रही थी। तो कुछ देर बाद ये बोला कि ये इस एंड पे पहुंच गई, दैट मीन्स कि जो रॉड है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और ये स्लोली गिर रही है, तो ये कुछ यहाँ पहुंच यहाँ पे रह गई, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज्यादा ट्रेवल कर लिया, तो ए टू ज्यादा रहा होगा ऑब्वियसली ए वन से, और होना भी चाहिए था क्योंकि बोल रखा है कि जो मास है वो ज्यादा है स्मॉल एम से, एक्सीड कर रहा है, ये क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन था। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अगर मैं सब कुछ देखूं विद रिस्पेक्ट टू रॉड करूं, विद रिस्पेक्ट टू रॉड देखता हूं, तो मतलब रॉड को रेस्ट पे ले आते हैं, तो जो ये बॉल होगी तो रॉड अब रेस्ट पे आ चुकी है, विद रिस्पेक्ट टू रॉड कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ जो बॉल होगी विद रिस्पेक्ट टू रॉड अगर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल तो नीचे की तरफ है माइनस ए वन, और जो बॉल है वो भी नीचे की तरफ है ए टू, तो दैट विल बी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। अब ये कुछ पॉजिटिव आ गया ऊपर, तो दिस इज इक्वल टू ऊपर की तरफ ए टू और नीचे की तरफ कुछ ए वन, क्योंकि जब बॉल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉल अपना ए टू उसको दे देगा। तो एक्चुअल में ये रहा है कि जो रॉड है अब वो रॉड रुकी हुई है और जो बॉल है उसके सामने से कुछ ए टू माइनस ए वन से ऊपर की तरफ जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू रॉड की बात कर रहे हैं, और इसको इसने बोला है कि टी टाइम बाद कुछ यहां पहुंच जाएगी इस पॉइंट पे, मतलब इसने कुछ एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो वी कैन राइट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू एल यू इज जीरो, सब कुछ रिलेटिव में कर रहे हैं, इक्वल टू हाफ ए टू माइनस ए वन इंटू टी स्क्वायर। अब मैं ए टू माइनस ए वन निकाल लेता हूं, तो इक्वेशन टू तो ये रही, इक्वेशन वन ये थी जी माइनस एफ बाय स्मॉल एम थी, तो अगर मैं माइनस कर दू तो इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू माइनस एफ बाय कैपिटल एम प्लस एफ बाय स्मॉल एम, सो दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉमन निकाल लेते हैं, सो एम माइनस एम अपॉन एम इंटू एम, दिस इज ए टू माइनस ए वन, तो इसको उठा के अब यहां पुट कर लेते हैं, सो एल इज इक्वल टू हाफ एफ एम माइनस एम अपॉन एम एम इंटू टी स्क्वायर, सो एफ विल बी इक्वल टू टू एल एम एम अपॉन एम माइनस एम इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो टाइम के फंक्शन में आ गया, और दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और उसमें स्पेशली ये वाला पार्ट की टेंशन जो फ्रिक्शन की तरह काम करता है, सो दिस इज ऑल अबाउट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन पोस्ट ऑन माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।